नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग NIOs से जो DLED कर रहे हैं उनके विषय में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से कौन सा पेपर कौन सा पेन का यूज़ किया जाएगा असाइनमेंट बनाने के लिए, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास, आप सभी को हमारे डिजिटल्स क्लास में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DLED, जो NIO से जो टीचर कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट जो है बनाने के लिए सबको बोला गया, लेकिन असाइनमेंट किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से पेन का यूज़ किया जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके सारे विषय के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, इस वीडियो के साथ बने रहिए और आप यहाँ पर सारे विषय के बारे में जानेंगे कि किस टाइप का पेन का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कोर्स 501, 502, 503, 504, 505, ऑल असाइनमेंट, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉपी और कौन सा पेन का प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेन और पेपर जो है किस टाइप का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का आपको पेन का जरूरत पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हमने पिक्चर को यहाँ पर बताया गया, पिक्चर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया कि किस टाइप का पेपर पेन का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर लिखा प्रश्न या उत्तर के लिए ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करें, यानी कि नॉट लाल पेन का प्रयोग कभी भी नहीं करें। ध्यान रखिएगा, लाल पेन का प्रयोग कभी नहीं करें, ना ही क्वेश्चन बनाने के लिए, ना ही क्वेश्चन को आंसर देने के लिए लाल पेन का यूज़ ना करें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ब्लू पेन दिखाई दे रहा है, तो आप कोई भी ब्लू पेन का बॉल पेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो सुविधा है उस पेन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो डीप चले, जो थोड़ा सा मतलब डीप चले, ज़्यादा फीका नहीं चलना चाहिए, उसी पेन का ही यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, यहाँ पर प्रश्न या उत्तर के लिए काला बॉल पेन का यूज़ करें, लाल पेन का यूज़ ना करें। देखिएगा यहाँ पर जो है ब्लैक पेन, आप यहाँ पर एक चीज़ बात आ रही है कि ऊपर में देखें हम लोग ब्लू पेन, फिर यहाँ पर देख रहे काला पेन का, यानी कि दोनों में से कौन सा पेन का यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से या तो आप क्वेश्चन को ब्लू पेन से लिखिए और आंसर को ब्लैक पेन से, या तो ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, आपका जो मर्जी है उससे आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे सर हम ब्लैक पेन से दोनों लिखें तो आप लिख सकते हैं ब्लैक पेन से दोनों, ब्लू पेन से लिखें तो आप लिख सकते हैं दोनों ब्लू पेन से। बट अच्छा दिखने के लिए हम लोग दो पेन का यूज़ करेंगे, ताकि क्वेश्चन में और आंसर में डिफरेंट पता चले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो पेन का यूज कीजिए, तो आपका असाइनमेंट थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा और अधिक आप अट्रैक्टिव आपका असाइनमेंट होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो पेपर या कॉपी का प्रयोग A4 साइज का ही करें। A4 साइज, अब A4 साइज किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पेपर का साइज जो होता है A4 साइज कैसे होता है, और पेपर का जो हम लोग कॉपी का यूज़ करेंगे किस टाइप का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको मेरे एडवाइस है और मेरे अनुसार आप क्लासमेट का कॉपी आपको परचेज कीजिए, जो कि पेज काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा पेज आता है इनका। ठीक है, तो इस टाइप का कॉपी का जो आप देख रहे होंगे, इस टाइप का आपका कॉपी मिलेगा, जो किसी भी मार्केट से, आप किसी भी स्टेशनरी से, बुक स्टेशनरी हो, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा दिए और आगे का भी फ्रंट दिखा दिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है दुकान के पास, और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे साइज लिखा है, क्योंकि उसमें कॉपी में, इस टाइप का कॉपी में A4 साइज लिखा नहीं रहता, बल्कि 29.7 × 21 cm आपको लिखा रहेगा। इसका प्राइस 35 रुपया, जगह के हिसाब से 35, कहीं 40, कहीं 45 आपको मिलेगा। तो
तो आप जो चाहे उस चीज़ आप परचेज कर लीजिए, एक कॉपी जिसमें 40-50 पेज आपके पास होगा। अब ये 40-50 पेज का हर एक असाइनमेंट पर कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप मार्केट से जो परचेज कर लीजिएगा, अब उसमें कैसे यूज़ किया जाएगा उस पेपर का, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लेते हम परचेज करके लेते आए, अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे मेरा यह कॉपी का पन्ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी का पन्ना, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले जो बीच में जहाँ पर पिन रहता है, आप यहाँ पर देखा है दे रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका पिन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका पिन रहता है, तो पिन को क्या कीजिए आप खोल लीजिए, ठीक है। तीन पिन रहता है, एक यहाँ एक बीच में एक किनारे में पिन रहेगा, पिन को आप खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करना, आपको गिनना है पेज को, कैसे गिनना है, जैसे तैसे नहीं गिनिए, जैसे तैसे जहाँ मन तहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको 20 से करना, 20 से ही पिनअप करना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जहाँ मन तहाँ सर अंदाजी जो है निकाल के नहीं, आप ऐसे किनिए, आप इस टाइप से सोचिए कि आपका एक असाइनमेंट पर टोटल क्वेश्चन का आंसर कितना देना है। मान लेते हैं आपका टोटल असाइनमेंट में जो है, एक असाइनमेंट में अगर 6 क्वेश्चन देना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, और 6 क्वेश्चन का आंसर आपको, आपको पता होगा कि इसमें जो है क्वेश्चन का जो आंसर है 500 वर्ड में और 1000 वर्ड में दिया ही है। 500 वर्ड कहने का मतलब 4 से 5 पेज, और 1000 कहने का मतलब होता है 7 से कम से कम 8 पेज, 8 से 9 पेज आप मान के चलिए, उतना तक आपको कम से कम आपको लिखना है। जैसे कि इसमें जो है आपका 500 वर्ड कहने का मतलब यहाँ पर आपका आ गया 3 पेज प्लस होना चाहिए, 3 पेज 4 पेज, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, खूबसूरत से डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले पेज को आप काउंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर एक पेज यहाँ से निकालते तो एक पेज निकालते तो कितना होगा, एक पेज इधर एक पेज इधर, 2 पेज, और इसके पीछे एक और इसके पीछे एक, यानी कि एक से मेरा कितना 4 पेज मेरा निकल रहा है, ठीक है। एक से कितना पेज निकल रहा है, टोटल 4 पेज, हमारा जो टोटल 4 पेज निकल रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर गिन लीजिए कि आपको कितने पेजेस को जरूरत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कितने पेजेस को जरूरत है। अगर हर क्वेश्चन के लिए चार चार अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, चार चार यूज करते हैं, अगर 6 पेज है तो 6 चौके 24 पेज चाहिए, तो 24 पेज चाहिए तो 24 ठो नहीं निकालना है, 24 आपको नहीं निकालना, 24 को 4 से भागा दे दीजिए, क्योंकि एक में क्या होगा, एक में आपको 4 का पेज मिलेगा। एक अगर एक पिनअप से अगर एक पेज निकालते हैं तो वहां पर क्या होगा, 4 पेज आपका निकलेगा, ठीक है। तो उसको 4 से आप भागा दे दीजिएगा, उतना ही पेज लिखिएगा। लेकिन और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा 1 या 2 पेज जो एक्स्ट्रा लेके चलिए जो ऊपर में होगा, क्योंकि उस पर आपको बैनर डालना होगा। बैनर मतलब आपका जो है असाइनमेंट का आपका नाम रहेगा, असाइनमेंट का नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, एनआईओस का सारा कुछ डिटेल रहेगा, फिर बैक पेज में आपको रहेगा, ये सब सारा जो है ब्लैंक आपको रखना पड़ेगा, ताकि उस पर क्या होगा, जब फ्रंट वाला आप डालिएगा तो उसमें प्रिंट करके आप चिपका सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और जब असाइनमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको पिनअप सेम इसी तरह से इसी जैसा करना है, यहाँ यहीं पर ही बीच में करके करना। अब आप कह सकते हैं सर बीच में हम कैसे करें, तो बीच में कैसे कीजिएगा, आप पूरा कॉपी को खोल लीजिएगा और कहीं सॉफ्ट जगह पर रख दीजिएगा। रखने के बाद जो है एक चौड़ा बड़ा सा पिन आता है, उस पिन को वहाँ पर बीच में डालिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, लोग क्या करते हैं यहाँ और यहाँ पर जो है बिठा लेते हैं और इस तरह से पिन कर देते, इससे क्या होगा, जो कॉपी आपका चेक करें ना, फटने का ज़्यादा डर रहता है। इस टाइप में ही आपको जैसे आप खो रहे इसी तरफ से ही पिनअप आपको करना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर हम लोग समझे कि कॉपी को किस टाइप का तैयार किया जाएगा, पेन कौन सा यूज़ किया जाएगा, या नए उसका जो असाइनमेंट जो तैयार किया जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, काफ़ी टीचरों को इस बात का दिक्कत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सारा आंसर इस वीडियो में सारा आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, सर यह प्रॉब्लम हमारा, हम आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। फिर भी समझ में ना आए तो स्पेशलिस्ट आपके लिए अलग सा फिर से वीडियो आपको बना के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए। फिर से मिलते हैं, अगला हमारा जो है असाइनमेंट को सॉल्विंग का टारगेट है,
क्योंकि हम जो है अगला वीडियो आप सभी का असाइनमेंट का जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं, और धीरे धीरे मे बी टू नाइट या आफ्टर टूमोरो नाइट आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।